नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा यह टेस्ट सीरीज का तीसरा लेक्चर है जो कि TGT PGT GIC लेक्चरर और नीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इसमें और ये संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में देख लिया जाए उन प्रश्नों को, ठीक है। 50 प्रश्न के आगे आज हमारा यह प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है यह प्रश्न, इसको देखा जाए भाई। देखिए कह रहा है यूनियों के कवच की बाह्य सतह में होता है, जो यूनियो होती है सीपी, यूनियों के कवच की बाह्य सतह में क्या होता है, यानी द आउटर लेयर ऑफ सेल ऑफ यूनियो कंटेंस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड होता है कि काइटिन होता है कि कॉन्क्योलिन होता है, क्या होता है यूनियो के कवच की बाह्य सतह में, यह बताना है। देखिए जरा इसका जो उत्तर है हम आपको बता दें, वैसे तो CaCO3 भी होता है, कॉन्क्योलिन भी होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल डी नंबर इज द राइट आंसर, कॉन्क्योलिन। क्या होगा दोस्त? कॉन्क्योलिन, ठीक है, कॉन्क्योलिन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि क्या है 52 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वा इज फाउंड इन यूनियो, यानी यूनियो में निम्न में से कौन सा लार्वा यूनियो में पाया जाता है, यूनियो में कौन सा लार्वा पाया जाता है, यूनियो के लार्वा को बताना है। देखिए यहां पहला है ट्रोकोफोर, ग्लॉचिडियम, वेलिगर और प्लेनुला। तो जो यूनियो का लार्वा होता है वह होता है ग्लॉचिडियम, ग्लॉचिडियम लार्वा होता है यूनियो का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, उसको भी थोड़ा सा देखा जाए। देखिए यह प्रश्न नंबर 3 रहा आपके सामने, यह है प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखें जरा, कह रहा है यूनियो बिलोंग टू विच क्लास, ठीक है, यूनियो किस वर्ग का है, यूनियो किस वर्ग का है, किस क्लास का है, तो क्लास बताना है, किसका क्लास बताना है, यूनियो का क्लास बताना है। तो इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन प्लेकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, पैलिसीपोडा, स्कैफोपोडा। तो दोस्त इसका जो आंसर है बिल्कुल इसका पैलिसीपोडा इज द राइट आंसर अर्थात सी, यह पैलिसीपोडा, पैलिसीपोडा का सदस्य है यूनियो, पैलिसीपोडा का सदस्य है यूनियो। देखिए प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, 54 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेल ऑफ यूनियो इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर्स, ठीक है, कि यूनियो का कवच, यूनियो का कवच निम्न 3 सतहों से बना होता है, यूनियो का जो कवच होता है किन 3 सतहों से मिलकर बना होता है यह पूछ रहा है, ठीक है, जो सीपी होती है कौन कौन सी 3 सतह होती है उसमें पूछ रहा है। देखिए अब इसमें से पहला कह रहा है बाह्य पेरिओस्ट्रकम और मध्य प्रिज्मेटिक एवं अंतःनक्रिय सतह, दूसरा कह रहा वाह नैक्रियस, तो पक्का है हम आपको बता दें नैक्रियस जो लेयर होती है ये इंटरनल लेयर होती है, कहाँ की होती है इंटरनल, तो ये बी नंबर रॉन्ग है, बी नहीं होगा। और यहाँ पर जो वाह प्रिज्मेटिक मध्य नैक्रियस, तो बिल्कुल वाह जो प्रिज्मेटिक होती है यह भी नहीं होती है आपका, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्त वही बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, कि आउटर पेरियास्ट्रैकम होती है और मिडिल प्राइमेस्टिक होती है एंड इनर नैक्रियस लेयर होती है, इनर नैक्रियस लेयर होती है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका सही उत्तर ए है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है इसको देखा जाए, ये देखिए प्रश्न नंबर अगला यहां पर आ गया कि द नंबर ऑफ गिल्स, द नंबर ऑफ गिल्स अर्थात गिल्स को टिनिडिया कहते हैं, फाउंड इन यूनियो, ठीक है, यूनियो में पाई जाने वाली क्लोमो अर्थात टिनिडिया की संख्या कितनी होती है, यूनियो में पाई जाने वाली टिनिडिया की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जरा इसमें कितनी होती है, अब कह रहा है दो, दो जोड़ी, चार, चार जोड़ी, तो कितनी होती है हम आपको बता दें कि इसमें जो संख्या होती है एक पेयर होती है, एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब कितना, दो, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगला 56 नंबर का कह रहा है, इसका प्रश्न क्या कह रहा है, द मसल्स विच आर यूज टू ओपन एंड क्लोज द टू सेल वाल्व ऑफ यूनियो आर, इसका अर्थ क्या है कि यूनियो के कवच वाल्वों को खोलने एवं बंद करने में प्रयुक्त पेशी
स्थितियां कौन सी होती हैं। जो यूनियो होती है बाइवेल्विया का सदस्य है तो जब खुलती और बंद होती हैं तो कौन सी मसल्स उसमें सहायता करती हैं इनके खोलने और बंद करने में। अब इसके ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ऐसा तो नहीं है इसमें, यह तो बिल्कुल ओपन के लिए होता है, यह खोलने के लिए होता है, और बिल्कुल हम आपको बताते हैं जो रिट्रैक्टर होती है प्रोट्रैक्टर होती है इनमें सबका काम अलग अलग होता है, यह खोलने के लिए और यह बंद करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल गया तो कंफ्यूजन वाला यह प्रश्न है, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल एडक्टर पेशियां होंगी, ठीक है, एडक्टर मसल्स होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, खोलने और बंद होने के लिए जो मान्य आंसर है बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्या कह रहा है उसको देखा जाए, 57, ठीक है। अब 57 क्या कह रहा है देखिए, 57 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ यूनियो, निम्न में से कौन यूनियो का उत्सर्जी अंग है, यूनियो का उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है यह बताना है, यह बताना है कि उत्सर्जी अंग कौन है निम्न में से। कह रहा है केबर्स आर्गन है, केबर्स आर्गन है कि ऑर्गन ऑफ बोजानस है कि बोथ ए एंड बी, यानी ए और दो दोनों हैं कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो हम आपको बता दें कि यूनियो का जो सर्जी अंग है केबर्स आर्गन भी है और आर्गन ऑफ बोजानस है दोनों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यही इसका सही उत्तर है। अब देखिए जो 58 नंबर का क्वेश्चन है, द मेन सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन यूनियो आर, मेन सेंसरी स्ट्रक्चर यूनियो की मुख्य संवेदी संरचना, यूनियो की मुख्य संवेदी संरचना क्या है ये बताना है। तो कह रहा है स्टेटोसिस्ट, जी हाँ ये भी है, ऑस्फ्रीडियम, जी हाँ ये भी है, और बिखरी हुई इपिथिलियल संवेदी कोशिकाएं, जी हाँ ये भी है, अर्थात इसका जो डी नंबर है यह राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी यूनियों की मुख्य संवेदी संरचना में मुख्य रूप से तीन संरचनाएं हैं, तीनों संरचनाओं में कौन कौन सी हैं, स्टेटोसिस्ट भी है, ऑस्फ्रीडियम भी है और संवेदी कोशिकाएं भी हैं बिखरी हुई, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया विच जीनस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पर्ल, मतलब भारत में कौन सा वंश उच्च गुणवत्ता वाला मोती बनाता है, भारत में कौन सा वंश उच्च गुणवत्ता वाला मोती बनाता है। तो देखिए कह रहा है माइटलिस पिंटाडा हेलियोटिस और प्लेकुना, तो इसका कौन सा है, तो पिंटाडा बल्गेरिस आप जानते हैं, ये इसका राइट आंसर है पिंटाडा, ठीक है, कौन सा, पिंटाडा इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन यूनियो इज एकम्पल्स्ड बाई, यानी यूनियो में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, किसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है यूनियो में किसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है यह बताना है। कह रहा है क्लोमो द्वारा, मेंटल द्वारा, दोनों, क्लोम और मेंटल दोनों द्वारा कह रहा है, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, गिल्स भी होता है, ठीक है, मेंटल, जी हाँ मेंटल भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, दोनों क्लोम और मेंटल के द्वारा, ठीक है, यूनियो में जो श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है दोनों, अर्थात क्लोम के द्वारा भी और मेंटल के द्वारा, दोनों के द्वारा पूर्ण होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 61 नंबर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला, पाइला का उत्सर्जी अंग कौन है, पाइला का उत्सर्जी अंग क्या है यह कह रहा है रीनल ऑर्गन है, केबर्स ऑर्गन है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये पाइला के लिए कह रहा है भाई, पाइला के लिए कह रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है इसमें, क्या होता है मेरे दोस्त, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजानस होता है। अब ऑर्गन ऑफ बोजानस में देखिए इसका जो राइट आंसर है रीनल ऑर्गन होगा, कौन सा होगा भाई, रीनल ऑर्गन, ये किसके समतुल है, ऑर्गन ऑफ बोजानस के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है रिस्पायरेटरी पिगमेंट फाउंड इन मोलस्का इज, यानी मोलस्का में पाया जाने वाला श्वसन रंजक है, मोलस्का में पाया जाने वाला श्वसन रंजक है, क्या है मोलस्का में श्वसन रंजक, ठीक है,
यानी रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है, कह रहा हीमोग्लोबिन है कि हीमोसाइनिन है कि हीमोइरिथ्रिन है इरिथ्रोसिन है, तो क्या है इसका जो राइट आंसर है भाई, बी नंबर इज द राइट आंसर, हीमोसाइनिन होता है। मोलस्का में जो श्वसन रंजक होता है वह हीमोसाइनिन होता है, श्वसन रंजक मोलस्का का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पाइला इज, पाइला है, पाइला क्या है कि कह रहा है अलैंगिक, एकलिंगी, द्विलिंगी, हर्माफ्रोडाइट, तो इसका सही आंसर क्या है, एसेक्सुअल है कि डायोइसियस है कि मोनोइसियस है कि हर्माफ्रोडाइट है, तो इसका सही उत्तर है डायोइसियस। ठीक है, डायोइसियस डी यू एम बी, दो शब्द हम आपको बता दें, डी का मतलब डायोइसियस और ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, डायोइसियस कंडीशन होती है डायोइसियस। ठीक है, अब यही मोनो एम बी यानी मोनोइसियस और ये कहलाता है बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, तो इसका सही उत्तर क्या है डायोइसियस। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एकलिंगी होते हैं, इसका सही उत्तर क्या है भाई, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है ऑस्फ्रीडियम इज एसोसिएटेड विथ, ऑस्फ्रीडियम संबंधित है, ऑस्फ्रीडियम किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, ऑस्फ्रीडियम, ठीक है, किससे संबंधित है, कह रहा है डाइजेशन से, रिस्पायरेशन से, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन से और एक्सक्रीशन से, किससे संबंधित है, तो बिल्कुल जी हाँ, ये पाचन से संबंधित नहीं है, श्वसन से संबंधित नहीं है, उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो ये घ्राण संवेदना से संबंधित है, घ्राण संवेदना अर्थात ये कहलाता ऑल फैक्ट्री सेंसेशन। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सेंसेशन कहलाता है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं, 65 क्या कह रहा है, देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 65, देखिए कह रहा है कि केमिकली अब मोलस्कन सेल इज कंपोज्ड ऑफ, यानी मोलस्का की कवच, मोलस्क की कवच रासायनिक रूप से बनी होती है, मोलस्क की कवच रासायनिक रूप से किसकी बनी होती है, कह रहा है कांकियोलिन की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, दोनों कांकियोलिन एवं कैल्शियम कार्बोनेट की, इनमें से किसी से नहीं, ऐसा कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ कांकियोलिन भी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, अर्थात इसका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह उसका सही उत्तर है, अर्थात बोथ कांकियोलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों की बनी होती है, कांकियोलिन के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखा जाए भाई, ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न में, कह रहा है काइटिनस कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिंगुअल रिबन इज प्रेजेंट इन, काइटिन युक्त, काइटिन युक्त मुड़ी हुई फीता समान संरचना, मुड़ी हुई फीता समान संरचना जो लिंगुअल रिबन कहलाती है, क्या कहलाती है, फीतानुमा संरचना लिंगुअल रिबन कहलाती है, पाई जाती है, लिंगुअल रिबन आप समझ रहे हैं जिह्वा की तरह एकदम फीते की समान जीव निकलती है, बाइलिंगुअल दुइठो फीता नुमा संरचना किसमें पाई जाती है, तो ये होता है पाइला, पाइला में होता है, इसका राइट आंसर है भाई पाइला, यूनियन नो, लॉलिगो नो, माइल्टिस नो, इसका राइट आंसर है पाइला, पाइला इज द करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 67 को भी देखा जाए, प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है, देखिए 67 नंबर कह रहा है इन गैस्ट्रोपोड, इन गैस्ट्रोपोडा द लार्वल फार्म, इन गैस्ट्रोपोडा में आप जानते हैं पाइला आता है, पाइला कह रहा है गैस्ट्रोपोडा में लार्वा का रूप है, क्या है लार्वा का रूप गैस्ट्रोपोडा में, कह रहा है ग्लाचिडियम, ग्लाचिडियम तो नहीं है यूनियो का है, इफायरा नो, इफायरा भाई ये किसका है, ऑरेलिया का है, ऑरेलिया का है, ए ई ऑरेलिया का ये है, और कह रहा है साफिस्टोमा यह भी नहीं है, ये भी किसका है सिलेंट्रेटा का ही है, अर्थात इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, वेलिगर और ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ट्रोकोफोर इज द राइट आंसर। ठीक है, वेलिगर एंड ट्रोकोफोर इज द राइट आंसर, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, लार्वल फार्म ऑफ गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में पाइला आता है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है इसमें स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल इज नोन एज, यानी मोलस्क कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, मोलस्क कवच का अध्ययन क्या कहलाता है, कह रहा है एंटोमोलॉजी,
एंटोमोलॉजी, हर्पीटोलॉजी, मेलकोलॉजी, कंकोलॉजी। अब मेलकोलॉजी और कंकोलॉजी दो आ गए भाई, मेलकोलॉजी और कंकोलॉजी दो आ गए, इसमें इसका सही उत्तर क्या है भाई? सही उत्तर क्या है, मेलकोलॉजी है कि कंकोलॉजी है? देखिए अब यहां दो हैं, एक तो मेलकोलॉजी है, ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्का, स्टडी ऑफ मोलस्का, स्टडी ऑफ मोलस्का ये कहलाता है मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी, और स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल, मोलस्कन सेल, मोलस्कन सेल के अध्ययन को कहते हैं कंकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी इज द राइट आंसर, कंकोलॉजी, यह इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला कह रहा है पाइलाइज, पाइला क्या है? पाइला होता है, कह रहा है मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, रक्तभोजी होता है। तो क्या होता है? कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और सैंगीवोरस। पहली बात तो सैंगीवोरस होता नहीं, तो जोंक ओक होता है, रक्त चूसता है, मांसाहारी होता नहीं, केवल की मांस खाएगा नहीं। अब दो कंडीशन आ गई, इसमें दो इसके बहुत मस्त फेवरेट भोजन हैं, एक पिस्टिया और एक वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया और पिस्टिया, ये दोनों जो है एलगी इनकी मुख्य भोजन है, दोनों एलगी हैं, अर्थात शाकाहारी, और इसे महाभक्षी भी कहा जाता है, महाभक्षी भी कहा जाता है इसे। तो इसमें दोनों में स्थिति आ गई, लेकिन अब इस दोनों में की स्थिति में मुख्य रूप से ये कैसा होता है? शाकाहारी, क्योंकि इनके फेवरेट भोजन ही हैं वेलिसनेरिया और पिस्टिया, इसके फेवरेट भोजन हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या है भाई? अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है इस प्रश्न में कि पाइला है, पाइला है कैसा है पाइला भाई? अमोनोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, बोथ अमोनोटेलिक है यानी यूरिकोटेलिक, नन ऑफ दीज। तो क्या है इसका जो पाइला, हम आपको बता दें ये अमोनोटेलिक भी होता है, यूरिकोटेलिक भी होता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, पाइला अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों है। अगला प्रश्न कह रहा है 71 का, नर्व विच एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन टू सिमिलर गैंग्लिया आर, यानी दो समान गैंग्लिया को जोड़ने वाली तंत्रिका कहलाती है, दो समान गैंग्लिया को जोड़ने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो हम आपको बता दें इसका जो सही आंसर क्या होगा, पहला दे रहा है विकल्प कनेक्टिव कमिसर्स, इंफ्रा कनेक्टिव सुपर सुप्रा कनेक्टिव, नहीं बिल्कुल इसमें जो है इसका राइट आंसर है कमिसर्स, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 71 का जो है बी नंबर इज द राइट आंसर, 71 का सही उत्तर जो है बी नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है अगले प्रश्न में कि द मोटाइल स्पर्म फाउंड इन मोलस्का, मोलस्का में दो प्रकार के स्पर्म पाया जाता है, जानते हैं दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, ऑलिगोपायरिन और यूपायरिन। तो कह रहा है मोलस्का में पाया जाने वाला चलित भी शुक्राणु क्या है? चलित अर्थात मोटाइल, मोटाइल स्पर्म कौन सा है? ऑलिगोपायरिन है कि यूपायरिन है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल मोटाइल कौन होता है? यूपायरिन होता है। मोटाइल कौन होता है भाई? यूपायरिन होता है। तो इसका राइट आंसर ए है, राइट आंसर ए है इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है अगला प्रश्न की मोड ऑफ रिस्पिरेशन इन मोलस्का, यानी कह रहा है मोलस्का में श्वसन की विधि है, मोलस्का में श्वसन की विधि क्या है? तो जानते हैं इसमें लंग्स भी होता है, फेफड़ा भी होता है, ठीक है, और गलफड़ कह रहा है, गलफड़ गिल्स, अब यहाँ गिल्स तो, लेकिन इसके टर्म क्या लिखा है? ब्रांकी, ये कन्फ्यूजन करने वाला है। पल्मोनरी तो होता ही है भाई, फेफड़े पल्मोनरी के द्वारा तो करता ही है। कह रहा है क्यूटिनस भी होता है, अब यहाँ ऑप्शन कर दिया है संभावित सबसे ज़्यादा, ये तो एकदम करेक्ट है, लेकिन ये कह रखा है इसका हिंदी दे दिया है गलफाड़ द्वारा, गलफाड़ द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी है गलफाड़ अर्थात क्या है, ये गिल्स ही तो है, तो गिल्स के द्वारा भी होगा, पल्मोनरी इसके द्वारा होगा, ठीक है, सैक के द्वारा। अब यहाँ त्वचा दे दिया तो ऐसा आंसर आ गया, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति। तो ऐसी कंडीशन में आप किसको सही करेंगे? तो बिल्कुल डी नंबर इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी इसका डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 74 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 74 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यहाँ पर पेक्यूलियरिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोपोड्स ड्यू टू टॉर्सन वेयर फर्स्ट रिलीज्ड बाय
टॉर्सन के कारण गैस्ट्रोपॉड के संगठन की विशेषता को सर्वप्रथम किसने देखा था? आ गया प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न आ गया। जैसा कि हमने अपने दोनों लेक्चर में एक एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया है कि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तीसरे लेक्चर का यह तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। बताइए कौन सा होगा, सभी को इकट्ठा करके, कि टॉर्सन के कारण, टॉर्सन मतलब घुमाव, ठीक है, ये बिल्कुल ऐठन, टॉर्सन के कारण गैस्ट्रोपोड के संगठन की विशेषता को सर्वप्रथम किसने देखा था? ये वैज्ञानिक है, स्पेंजल ने, मॉर्गन ने, थॉमसन ने, मेयर ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम बताते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न में देखें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का, निम्न में से कौन संघ मोलस्का का एक वर्ग नहीं है, मोलस्का का एक वर्ग नहीं है, कह रहा है कौन सा एक वर्ग नहीं है। गैस्ट्रोपोडा है भैया, है, इसी में तो है हमारा पाइला घोंघा, पाइला, स्कैफोपोडा ये भी है, सिफाइलोपोडा ये भी है, ठीक है, अर्थात डेक्कापोडा नहीं है, दस्टोपोडा वाला नहीं है, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यही वर्ग नहीं है, यही वर्ग नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन करेक्ट है ये बताना है, कौन निम्न में से करेक्ट है, ठीक है, कह रहा है कौन करेक्ट है, एनिलिडा, हिरुडिनेरिया, सिल्वर फिश, यही गड़बड़ हो गया, ये नहीं है। कह रहा है मोलस्का, गैस्ट्रोपोडा, पाइला, बिल्कुल सही है, मोलस्का का क्लास गैस्ट्रोपोडा का पाइला ही है, सही है, आगे हमका जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाइबेलबिया में तो सीपी आता है, यहाँ पाइला लिख रखा था, कहाँ से होगा पाइला, नहीं होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं, 77 नंबर का जो प्रश्न है, क्या कह रहा है, 77 ई रहा 77 नंबर प्रश्न, देखिए 77 कह रहा है फिल्टर फीडिंग आकर्ष, फिल्टर फीडिंग किसमें पाया जाता है, डेंटेलियम में कि पाइला में कि यूनियो में कि अमीबा में, किसमें पाया जाता है फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग किसमें पाया जाता है, है ना, फिल्टर फीडिंग पाया जाता है भाई यूनियो में, किसमें पाया जाता है, यूनियो में पाया जाता है फिल्टर फीडिंग, इसका राइट आंसर है यूनियो। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर अ स्टाक कॉल्ड, यानी स्टाक के ऊपर मोलस्का में नेत्र एक डंठल पर पाए जाते हैं जो क्या कहलाती है, डंठल के ऊपर जिस पे पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, डंठल, ये कह रहा है, कह रहा ऑस्ट्रैकम कहलाता है, ऑस्फ्रिडियम कहलाता है, ओमैटोफोर कहलाता है, ऑपरकुलम कहलाता है। चलिए हिंदी नहीं समझ में आता, अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी इधर है कि ऑस्ट्रैकम है कि ऑस्फ्रिडियम है, ओमैटोफोर्स है, ऑपरकुलम है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ओमैटोफोर्स, ओमैटोफोर इज द राइट टेंसर, ओमेटो फोर्सर, तो ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। ये वीडियो कैसा लगा आप भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके हेल्प करें, और अगर आपको पसंद आया हो या वीडियो तो आप लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जानते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।